स्पीकर विवेक बिंद्रा पर केस दर्ज किया गया है। विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप लगाया 6 दिसंबर। विवेक बिंद्रा के खिलाफ ये आरोप लगाया गया, उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। हमारे पास जो FIR की कॉपी आई है उससे ये पता चला है कि एक वैभव क्वात्रा नाम के शख्स ने पुलिस में सेक्टर 120 थाने में शिकायत की। दोस्तों, मुझे यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज। अब विवेक बिंद्रा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। स्पीकर विवेक बिंद्रा पर केस दर्ज किया गया है। विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप लगाया 6 दिसंबर 2023 को। यानिका से शादी हुई थी, पत्नी से बुरी तरह से मारपीट का आरोप लगाया। सेक्टर थाना 126 क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। बिंद्रा के यूट्यूब पर 21.4 मिलियन फॉलोअर है। इंस्टाग्राम पर 3.9 मिलियन फॉलोअर है। तो विवेक बिंद्रा पर FIR दर्ज की गई है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर FIR दर्ज की गई है। सेक्टर 126 में यह FIR दर्ज की गई है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना 126 क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है पत्नी के साथ मारपीट की गई है। आपको बता दे, धारा 323, 504, 427 और 325 के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में बताया गया है कि विवेक बिंद्रा और उनकी मां के बीच बहस हो रही थी। इस दौरान जब पत्नी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो विवेक इससे चिढ़ गए और उसके बाद पत्नी को कमरे में ले जाकर मारपीट की है, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सोनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच विवाद की ढेरों खबरें अब तक सामने आई हैं, लेकिन इस बीच एक और मामला सामने आया है विवेक बिंद्रा से जुड़ा। मामला कुछ ऐसा है कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस क्यों दर्ज किया गया है, ये सारी जानकारी हमें और आपको बताएंगी हमारी साथी सुरभि। सुरभि, इस पूरे केस में अब तक क्या क्या हुआ है? विवेक बिंद्रा के खिलाफ ये आरोप लगाया गया, उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है। हमारे पास जो FIR की कॉपी आई है उससे ये पता चला है कि एक वैभव क्वात्रा नाम के शख्स ने पुलिस में सेक्टर 120 थाने में शिकायत की कि उनकी बहन के साथ विवेक बिंद्रा ने, मतलब उनकी जीजा ने, मारपीट की है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी 6 दिसंबर को हुई थी, इसी महीने 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा से हुई थी। 7 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की अपने माँ से कुछ बहस हो रही थी। इसी दौरान उनकी बहन, जिसने शिकायत की है, उनकी बहन ने बीच बचाव करने की कोशिश की। तो इस शिकायत में बताया गया कि इस दौरान विवेक बिंद्रा ने उनकी बहन के साथ मारपीट की, जिससे उनकी बहन को काफ़ी चोटें आई हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, शरीर पे काफ़ी घाव है और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो इस सिलसिले में 12 दिसंबर को ये शिकायत दी गई थी। 14 दिसंबर को पुलिस ने केस FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जाँच की जा रही है, जाँच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई धाराएँ जोड़ी गई? हाँ, धाराएँ चोट पहुँचाने से जुड़ी हुई हैं। एक बार बता सकती थी? हाँ, एक IPC की धारा 323 है, जो कि चोट पहुंचाने से जुड़ी है। 504 है किसी का अपमान करना, और धारा 427 है, धारा 325 है जो कि गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी है। ठीक, तो इस तरह की धाराएं जुड़ी हुई हैं और ये अलग मामला सामने आया है। लगातार विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, है ना, कि किस तरह से संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के अलग जो है विवाद चल रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बिल्कुल फैला दीजिए। दोस्तों, संदीप महेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विवाद के बारे में मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाई है। वो वीडियो अभी मेरे बगल में शो कर रहा होगा, इस पर टच करके जरूर देखिए और इस वाले वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिए।